हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगा फिबोनाची सीक्वेंस का एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। हम यूज़ कर रहे हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तो आइए देखते हैं फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम अपने फर्स्ट नंबर को ज़ीरो लेते हैं, सेकंड नंबर हमारा वन होता है। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड नंबर को ऐड करते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं थर्ड नंबर में। ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ कि इसको भी छोड़ दो। जैसे हमारा सीक्वेंस है, ये हमारे नंबर्स होते हैं ज़ीरो, देन वी हैव वन। अब ये जो दोनों हैं इनका सम स्टोर हो जाएगा थर्ड नंबर में, दैट इज़ वन। ये मैंने आपको बोला। अब इन दोनों का सम स्टोर हो जाएगा अगले नंबर में, दैट इज़ टू। फिर इन दोनों का इधर ये थ्री हो गया, टू प्लस थ्री फाइव एंड सो ऑन, दैट इज़ यू नो एट थर्टीन एंड सो ऑन। तो फिबोनाची सीक्वेंस के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको जनरेट करते हैं स्ट्रिंग को। तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम एक मेमोरी लोकेशन पर जाएंगे। LXI H,3050H का मतलब है आपके मेमोरी में एक लोकेशन है 3050, वहाँ पर वहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करने के लिए होना पड़ेगा। धीरे धीरे हम अपने नंबर्स को इन पर स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर ले लिया हमने बी, उसमें हमने अपना फर्स्ट नंबर जो कि ज़ीरो है, अब इसको हेक्साडेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 00H। तो हमने उसको स्टोर कर दिया बी में। ऐसे ही हम अपने सेकेंड नंबर को, जैसे आप देख सकते हैं इनिशियल नंबर वन, ऐसे ही सेकेंड नंबर जो हमारा है वन, क्योंकि इनिशियली हमारे पास दो नंबर्स होने चाहिए, ज़ीरो और वन। तो हमने अपने सेकेंड नंबर को यहाँ पे स्टोर कर दिया है, किसमें, सी में। और हमने एक काउंटर लिया है 10, क्योंकि फिबोनाची सीक्वेंस जो है ये कितना भी बड़ा हो सकता है। तो हमने इनिशियली एक लिमिट लगा दी है 10 कि यहाँ तक चलेगा, उसके बाद ये हॉल्ट हो जाएगा। तो काउंटर लगाना बहुत ज़रूरी है। काउंटर इसकी काउंट करता है अक्रेंसेस कि कितनी बार हम अपनी लूप को चलाएंगे, क्योंकि हम इसमें लूपिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक फॉर लूप की तरह ही बिहेव करेगा ये। ठीक है, हमने एक काउंटर लगा दिया 10। अब हेक्साडेसिमल में 10 को 0H लिखते हैं, इतना तो आप सबको पता है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो जो हमारा फर्स्ट नंबर है 00H, इसको हम अपनी मेमोरी में मूव कर रहे हैं, मेमोरी का मतलब 3050 पे। अब हमारी जो 3050 है, यहाँ पे 1 आ गया, 0 सॉरी, क्योंकि फर्स्ट नंबर 0 है। इतना हमने कर दिया। फिर हमने क्या किया, INXH, इसका मतलब मेमोरी जो है दैट इज बीन इंक्रीमेंटेड बाय 1, एक आगे बढ़ गए बस, यानी 3051H। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो अब हमने अगला लिखा है C,M, मतलब C की वैल्यू जो है, C जो है वो M में चला जाएगा, यानी अगली मेमोरी लोकेशन, क्योंकि हम M को एक आगे बढ़ा चुके हैं। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर आपका 3050 है, यहाँ पर 0 स्टोर्ड है, हमने INXH किया तो अगली लोकेशन पर जंप कर गया 3051 पे, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सम परफॉर्म करके हमें स्टोर करना है इधर, यहाँ स्टोर करना है 0+1 को इधर। लेकिन हमारे 8085 में डायरेक्ट एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमें सबसे पहले अपना जो कंटेंट है बी का या किसी का भी, उसको हमें एक्यूमुलेटर में मूव करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम सबसे पहले 0 को हम एक्यूमुलेटर में मूव कर लेते हैं, हमारा एक्यूमुलेटर है ए, मैंने यहाँ पे 0 मूव कर दिया ये। ठीक है, अब मेरे को सी को इसमें ऐड करना है, क्योंकि अभी मैं एडिशन किसकी करवा रहा हूँ, बी और सी की, लेकिन मैंने बी और सी को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने बी को पहले एक्यूमुलेटर में मूव किया। अब नाउ मैं क्या करता हूँ, ऐड सी। ऐड सी का मतलब है एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स और सी के कंटेंट्स ऐड होकर एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो एक्यूमुलेटर है उसमें 0 है, अब सी में क्या है, इसमें 0-1 है यहाँ पे, तो मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूँ। तो मेरा एक्यूमुलेटर का नया कंटेंट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 0+1, दैट इज़ 1। अब मुझे क्या परफॉर्म करना है, इतना करने के बाद मुझे जो सी रजिस्टर है जिसके अंदर क्या है, मेरा सम है ना, क्योंकि मैं अब सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू 1 है, मैं उसको क्या करता हूँ, मूव करा देता हूँ अपने बी रजिस्टर में। यानी मैंने ये देखो, ऐसे इसको इमेजिन करो, यहाँ पर मेमोरी में मेरे पास बी रजिस्टर है, सी रजिस्टर है और ए रजिस्टर है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा नंबर है यानी 1 को मैंने बी को दे दिया, अब बी मेरा 1 हो गया। एक्यूमुलेटर में मेरे पास सम स्टोर था, सम क्या था, 1 को मैंने सी में दे दिया। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये 1 मैंने क्या वैल्यू दी है,
वैल्यू किसकी, सेकंड नंबर की। मेरा फर्स्ट नंबर था 0, सेकंड नंबर था 1। अब मैं कह रहा हूँ मेरा जो फर्स्ट नंबर होगा वो सेकंड नंबर बन जाएगा, मतलब जो सेकंड नंबर पहले था 1 उसको मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि वो फर्स्ट बन जाएगा मेरा। इसको ऐसे इमेजिन करो, देखो 0 और 1 है। अब मेरा फर्स्ट नंबर मैंने 1 बना दिया है, जो पहले सेकंड नंबर हुआ करता था अब वो फर्स्ट नंबर बन गया मेरा। सिंपल, सी को वैल्यू मैंने बी को दे दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा सम है एक्यूमुलेटर में स्टोर था उसको मैं दे देता हूँ सी को, यानी सेकंड नंबर बना दे रहा हूँ अपने सम को। सेकंड नंबर क्या है, 1। सेकंड नंबर है मेरा सम, उसको मैं दे देता हूँ अपने इसको सी को, ये रहा। तो अब देखो ये दोनों इधर आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी मेमोरी लोकेशन को एक प्लस कर देता हूँ अब, क्योंकि मैंने जो सम जो है इनका कैलकुलेट कर लिया। अब मैं अपनी मेमोरी लोकेशन को एक आगे बढ़ा देता हूँ, INXH, इंक्रीमेंट मेमोरी लोकेशन, मतलब वही हो रहा है, एम गिव्स एम प्लस 1, 01H एक तरीके से। ये करने के बाद, क्योंकि मैं जो कंटेंट्स जो मेरे हैं अभी 01 और मैं 1 भी कर चुका हूँ इधर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 अभी यहाँ पे आया नहीं है, अभी 0 और 1 है। मैं बस 3051 से 3052 पे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इनका सम कहीं स्टोर करना है ना। 3052 पे अब मैं आ गया, और इसका जो सम है 3052 पे हूँ मैं, इधर मैं लिख देता हूँ INXH का मतलब आई हैव जम्प टू 3052H मेमोरी लोकेशन, एंड नाउ आई एम मूविंग द कंटेंट्स ऑफ माई एक्यूमुलेटर दैट इज द सम टू दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। तो अब एक्यूमुलेटर में 01 है, मतलब सम है, वो मैं इधर स्टोर कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर 1 आ गया। ऐसे ही सिंपली अब क्या होगा, ये 1 आने के बाद मैं अपने काउंटर को डिक्रीमेंट करूँगा। ऑब्वियसली मेरे को ये चीज़ 10 बार करनी है, तो काउंटर मेरा डी में है, तो मैंने इसको डिक्रीमेंट किया। डिक्रीमेंट करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाऊँगा, जंप इफ नॉट 0। ये कब तक चलेगा लूप, जब तक 0 नहीं हो जाता। और ये किस पर डिपेंड करेगा, इस डिक्रीमेंट पे। एक डी की ऐसी वैल्यू आएगी जब वो 0 हो जाएगा, तो उसके बाद हम सीधा हॉल्ट पर चले जाएंगे। तो लूप किधर लिखा है, मैंने लूप इधर लिखा है, तो लूप के बाद सीधा इधर आ जाएगा। फिर से क्या होगा, जो मेरे बी के कंटेंट्स है, अब मेरे बी के कंटेंट्स क्या है, 1, दैट विल मूव इनटू ए एक्यूमुलेटर में, क्योंकि मुझे एडिशन करानी है। फिर 1 की वैल्यू इसमें हो रहेगी, और सी को मैं ऐड करा दूंगा, सी में क्या है 1। तो मेरा एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा 2। वेरी गुड, अब आपको समझ आ रहा है, एक्यूमुलेटर में 2 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बोल दूंगा कि भाई 2 बन मेरा फर्स्ट नंबर, सी की वैल्यू मैं बी को दे दूंगा, ये बी बन जाएगा, ये सी बन जाएगा। फिर मैं एक इंक्रीमेंट करूंगा प्लस 1, और ऐसे ही यहाँ पे 3 आ जाएगा अपना। अब आपको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, ये 10 बार चलेगा ऐसे अपना फिबोनाची सीक्वेंस का, यही प्रोग्राम है, बहुत ईजी है। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।